future doctors, welcome to Dentitionary. Here, you will be provided with information for the doctors from the doctors. So today, we will be learning about maxillary lateral incisor. So let's begin with the general introduction. These are two in number. From the mesial side, they are contacted by maxillary central incisor. From the distal side, they are contacted with maxillary canines. Their function is similar as the central incisor of the maxilla, sharing in cutting food, speech and support for lips, supplement central incisors in function and are similar anatomically. ये central incisors बहुत ज़्यादा similar होते हैं, but इनमें difference बस इतना है कि ये central incisors से dimensions इनके थोड़े से कम होते हैं. ये इनका numbering system है, universal number के according 710, Zsigmondy power के according this and FDI system according 1, 2, and 2. First evidence of calcification is 10 to 12 months, enamel completed 4 to 5 years, eruption sequence 8 to 9 years, and root is completed in 11 years. These are the dimensions. Now, labial aspect. As you can see, the crown outline is trapezoidal. जैसा कि मैंने आपको maxillary central incisors की वीडियो में पढ़ाया था, trapezoidal shape आपने 9th 10th में पढ़ी होगी, ये सेम ऐसे ही shape है. Mesial marginal ridge जो होती है इसकी approximately same होती है maxillary central incisors से. इस अलग क्या है, इसका जो contact area है वो mainly near the junction of incisal and middle 1/3 रहता है. डिस्टल मार्जिन जो है वो मोर राउंडेड रहता है देन द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर. मेसियो इंसाइजर एंड डिस्टो इंसाइजर लाइन एंगल्स जो हैं वो ज़्यादा राउंडेड होते हैं देन द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर. जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट साइड जो है इमेज वो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है और जो लेफ्ट साइड है वो लेटरल इंसाइजर है. जैसा कि आप ब्लू सर्कल में देख सकते हो, मेजियल एंगल राउंड नहीं है राइट साइड में, वो शार्प है, जबकि लेफ्ट साइड में वो राउंडेड है. डिस्टल साइड में वो राउंडेड है पर लेटरल इंसाइजर में वो और राउंडेड है. इंसाइजर आउटलाइन इज सिमिलर टू द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर बट नॉट स्ट्रेट. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, इंसाइजर जो आउटलाइन है वो स्ट्रेट है बट लेफ्ट साइड में वो थोड़ा सा स्लैंट है, थोड़ा सा ऊपर की साइड टेढ़ा होते हुए जा रहा है डिस्टल साइड पे. क्रस्ट ऑफ कर्वेचर जो है लेबियल एस्पेक्ट का वो सर्वाइकल थर्ड पे मेनली है. ओके, ज़्यादा वो थोड़ा सा सर्वाइकल थर्ड पे ही प्रोटिब्रेटेड है. नाउ लेट्स टेक ए मॉडल. एज यू कैन सी द लेबियल साइड ऑफ द राइट लेटरल इंसाइजर मैक्सिला, एज यू कैन सी देयर बहुत कम डेवलपमेंटल ग्रूव्स हैं यहाँ लेबियल में. ओके, इसमें कोई मैमिलन्स नहीं दिखते हैं और इसका जो मेजियल साइड है और जो डिस्टल साइड है वो दोनों ही राउंडेड हैं. सर्वाइकल थर्ड पर क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर है इसका, जो इसकी रूट है वो टेपर करते हैं ऊपर जाते जाते और डिस्टल साइड की तरफ हल्की सी टिल्टेड रहती है एट द एपेक्स एट द एंड ऑफ द रूट. ओके, इसमें ज़्यादा वो नहीं है. इंसाइजल रिज अगर आप देखोगे इसमें तो वो स्लैंट है, स्लैंट, इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स स्लैंट. और इसके जो वो है डिस्टल और मेसियल एंगल्स वो दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा राउंडेड है. ओके, नाउ द लिंगुअल एस्पेक्ट. मेसियल मार्जिन इज मोर कॉन्वेक्स देन द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर एंड डिस्टल मार्जिन इज मोर राउंडेड देन द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर. दोनों ही मेसियल मार्जिन और डिस्टल मार्जिन दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉन्वेक्स और बहुत ज़्यादा राउंडेड है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर से. लिंगुअल फोसा जो है वो डीप ट्रायंगुलर फोसा है, इसमें डब्ल्यू शेप नहीं है और ऑक्यूपाई करती है 2/3 ऑफ द लिंगुअल सरफेस ऑफ क्राउन, 2/3 ऑफ द लिंगुअल सरफेस ऑफ द क्राउन एज यू कैन सी इन द इमेज. ओके, सिंगुलम इज लिमिटेड टू द सर्वाइकल थर्ड. सिंगुलम लिमिटेड रहता है सर्वाइकल थर्ड पे, वो मिडिल थर्ड में नहीं घुसता है और इसमें ज़्यादा ऑफ सेंटर नहीं रहता डिस्टल की साइड जैसा कि सेंट्रल इंसाइजर में रहता है. इसमें एक लिंगुअल पिट पाई जाती है एट द पॉइंट ऑफ वी और जो लिंगुअल जिंजाइवल ग्रूव है वो एमिनेट्स करती है फ्रॉम द लिंगुअल पिट एंड मे एक्सटेंड ओवर सीजे. मीन्स के जो लिंगुअल जिंजाइवल फिशर आप देख रहे हो वो पिट से निकलता हुआ मोस्टली
डिस्टली जाता है और कभी कभी एक्सटेंड करता है सीमेंटो इनेमल जंक्शन के ऊपर तक। इसमें आप सिंगुलम देख सकते हैं, मेज में लिंगो जिंजाइबल फिशर, पेट। MMR एंड DMR आर मेजर मार्जिनल रिच एंड डिस्टल मार्जिनल रिच। द इंसाइजल एज, लिंगुअल फोसा। देखिए लिंगुअल फोसा प्रॉपरली भी नहीं है, उसके जो साइड्स हैं वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा राउंडेड हैं, परफेक्टली वी नहीं बनता है, बट इट इज़ सम काइंड ऑफ वी। लिंगो जिंजाइबल ग्रुप भी आप देख सकते हो। ओके, मार्जिनल रिजेस और सिंगुलम जो है वो इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा राउंडेड है और जो फोसा है वो ज़्यादा डीप है। इस वजह से फोसा विल बी राउंडेड एट द मेजियो मार्जिनल रिज विच इज स्ट्रेट एंड लॉन्गर, वेयर एज डिस्टल मार्जिनल रिज विल बी स्लाइटली कर्व्ड एंड स्मॉल। फोसा है जो है वो बहुत ज़्यादा राउंडेड रहता है एट द मेजियो मार्जिनल रिज, जबकि स्ट्रेट एंड लॉन्गर रहता है एट द डिस्टल मार्जिनल रिज, एज यू कैन सी इन द इमेज। और जो रूट है वो बहुत ज़्यादा नरोवर रहती है। ओके, लेट्स टेक अ मॉडल। दिस इज आर लेबल साइड इन द मॉडल, द राइट लेटरल सेंटर, द राइट लेटरल इंसाइजर ऑफ द मैक्सिला। एज यू कैन सी देयर इज द वी शेप्ड फोसा एंड समवट हियर विल बी द पिट, और फ्रॉम हियर अगर फिशर नहीं है अभी तो इसमें, बट अगर फिशर होता है द लिंगो जिंजाइबल फिशर, तो वो निकल के डिस्टली स्लाइटली डिस्टली वो जाता है। इस वाले में वो इधर साइड से जा रहा है। ओके, वन वेट अ मिनट, वो यहाँ से निकल के यूँ जा रहा है, दिस वन डिस्टली जा रहा है वो, ठीक है। और ये एक्सटेंड नहीं कर रहा है, बट समटाइम्स इट एक्सटेंड ओवर टू द सीजे टूवर्ड्स द रूट। रूट डिस्टल साइड टेपर कर रही है, इसके दोनों ही साइड बहुत ज़्यादा राउंडेड हैं, पर आप देख सकते हो मेजर साइड हल्का सा स्ट्रेट है, डिस्टल साइड हल्का सा राउंड है। ओके, और इसमें पिट्स एंड फिशर्स और सिंगुलम आप देख सकते हो, इसमें सर्वाइकल थर्ड तक ही है वो, मिडिल थर्ड में नहीं जा रहा है और ऑफ सेंटर्ड नहीं है, मेनली मीडियन में ही है। ओके, नाउ फॉर द मेजर एस्पेक्ट, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द सेंट्रल इंसाइजर विद लेसन डाइमेंशंस। जो कर्वेचर है सर्वाइकल लाइन का इज मार्क्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसाइजल रिज, जैसा कि उसमें भी था। कॉन्टैक्ट एरिया जो है वही जो हमने अभी पिछली बार पढ़ा, इंसाइजल थर्ड और मिडिल वन थर्ड के बीच में है, सिमिलर इन शेप टू कॉन्टैक्ट ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। जो रूट है वो अपीयर करती है एज अ टेपर्ड कोन विद ब्लंटली राउंडेड एपेक्स एपिकल एंड, जैसा कि उसमें भी था। लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द रूट्स टेंड्स टू बाइसेक्ट द राइट इंसाइजल रिज ऑफ द क्राउन, ऐसा ही उसमें भी था। प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट जंक्शन ऑफ इंसाइजल नियर द जंक्शन ऑफ द इंसाइजल मिडिल वन थर्ड, ये भी हमने पीछे ही पढ़ा है। ओके, फॉर द डिस्टल एस्पेक्ट, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर से और अपने ही मेजियल सरफेस से, ये स्मॉलर है बस उससे और मोर कॉन्वेक्स इन ऑल डायमेंशन देन द मेजियल सरफेस ऑफ द लेटरल इंसाइजर। कर्वेचर ऑफ सेंट्रल सर्वाइकल लाइन इज यूजुअली अ मिलीमीटर और सो लेस इन डेप्थ देन ऑन द मेजियल साइड, जो इसका कर्वेचर है उस साइड में, मीन्स जो ये वाला पार्ट है उसका जो ये हाइट है वो समवट मिलीमीटर में छोटा हो सकता है मेजियल साइड से, और प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट सेम रहता है। ओके, फॉर द इंसाइजल एस्पेक्ट, इट रिजेंबल्स सेंट्रल इंसाइजर सेम मोर और लेस ओवल इन फॉर्म, बहुत लेस ओवल रहता है ये उससे, और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है सेंट्रल इंसाइजर की तरह। जो लेबल साइड है उसकी फ्लैट नहीं है, वो ज़्यादा कर्व्ड ज़्यादा कॉन्वेक्स है, और सिंगुलम भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है इसमें। सिंगुलम मे बी लार्ज एज द इंसाइजल रिज, एज इन एज द इंसाइजल रिज, इंसाइजल रिज भी बहुत बढ़िया है। और जो इसका लेबियो लिंगुअल डायमेंशन रहता है वो डिस्टो मेजियल डायमेंशन से बड़ा रहता है। ओके, ये एग्जिबिट करता है मोर कॉन्वेक्सिटी लेबियली, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार अभी बोला, एंड लिंगुअली फ्रॉम इंसाइजल एस्पेक्ट देन मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। इसका जो मेजियल लेबियल डिस्टल लेबियल लाइन एंगल्स हैं वो मच मोर राउंडेड हैं, और इसमें कोई भी लाइन ऑफ डिमार्केशन प्रोमिनेंटली नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाई डिग्री ऑफ कॉन्वेक्सिटी होती है, उस वजह से इसमें नहीं दिखता है। लेट्स टेक अ मॉडल।
दिस इज़ द मॉडल फ्रॉम द मीजियल साइड. एज यू कैन सी द ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ क्राउन. ओके, और आप इसको बाइसेक्ट भी कर सकते हो लाइन से, जस्ट लाइक दिस. ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है. और इसी की सीध में इसका कर्वेचर भी है, ये देखिए, ये यहाँ इसी की सीध में है, इंसाइजल रिज की सीध में. ओके, इन द लाइन ऑफ इंसाइजल रिज द कर्वेचर ऑफ द सर्वाइकल लाइन. ट्रायंगुलर इसका शेप है, जस्ट लाइक द सेंट्रल इंसाइजर. ओके, और सेम अगर आप देखोगे सिमिलरली डिस्टल साइड पर भी है, बस इसमें लेस इन डायमेंशन से मिलीमीटर छोटा है. और इसको भी आप बाइसेक्ट कर सकते हो, ये भी ट्रायंगुलर है, बस अपने मेजर साइड से छोटा है, काफ़ी छोटा है. उसके बाद हम आते हैं इसके इंसाइजल पे. जैसा कि आप देख सकते हो इंसाइजल रिज स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा स्लेंट है टुवर्ड्स द डिस्टल साइड. दोनों ही इसके एंगल राउंडेड हैं. सिंगुलम इज मोर प्रोमिनेंट, आप वी शेप फोसल का सा देख सकते हो, उसमें प्रोमिनेंसेस भी देख सकते हो. और जो लेबियल साइड है वो काफ़ी कॉन्वेक्स है, ये भी आप देख सकते हो. जो सेंट्रल इंसाइजर है उसका लेबियल साइड बहुत ज़्यादा फ्लैट रहता है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो आप उसको देख सकते हो एक बार के लिए. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. इफ़ यू वॉन्ट द PPT, प्लीज़ फॉलो द लिंक बिलो. प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और सजेशंस अबाउट द वीडियो, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. वी विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच.